नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं किम ताएहयुंग की टिकटॉक वीडियोस पर, जिसे हमें सजेस्ट किया है हमारे सब्सक्राइबर्स ने, जिनका नाम है फैजान हसन तनुश्री सरकार। Oh, nice.
Yeah. Happy birthday to you. I think we could do it if we tried for me to say you're mine. Yeah. Me looks at me in mucho gusto. Sweet like that churro. She keeps me happy churro. Keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Handcuffs, leashes, switch my wig, make him feel like a T10. Put him on his knees, give him something to believe in. Have a lot of fight, but I'm leaving. So, yaar, bahut zyada hi amazing videos. Yeah, it's really amazing videos. Sir, all are really good. Yeah, all are really good. And Kim Tae-hyung ki baat ki jaye to yaar, kya hi banda hai, na? Yeah, if you talk about Kim Tae-hyung, so you know, like when he wear T-shirt, so he look like really kick. Yeah, I agree. Yeah. And मतलब Kim Tae-hyung बहुत ज़्यादा ही handsome भी है और उसकी मतलब dancing की जो style है हमें Michael Jackson की तरह yeah क्योंकि इसकी जो dancing की style है काफी smooth है क्यों yeah right काफी smooth है जैसे Michael Jackson मतलब ऐसे तक ही smooth करता था वो yeah. और ऐसे ही Kim Tae-hyung भी काफी smooth dance करता है और Kim Tae-hyung की बात की जाए hair style and hair color wow यार बात की जाए मतलब maroon में भी बहुत ज़्यादा मतलब मैरून हेयर भी नहीं मुझे बहुत ज़्यादा एंड हिज आईज इज आल्सो रियली गुड या नो लाइक व्हेन जब ये ऐसे देख रहा है देखो ये या काफी मतलब काफी हैंडसम लग रहा है बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा और Kim Tae-hyung BTS जितने मेंबर्स हैं Kim Tae-hyung भी बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा बहुत ज़्यादा अच्छा है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जिस ज़्यादातर मेंबर अच्छे ही मतलब ज़्यादातर क्या सेवन है अच्छे हैं और सारे के सारे के पास अपना अपना टैलेंट है या अपना अपना टैलेंट है और दे ऑल हैव सम डिफरेंट टैलेंट या एंड दैट्स व्हाई दिस BTS मेक्स रियली ग्रेट बैंड ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ कोर्स एंड दैट्स व्हाट पीपल लाइक ऑफ कोर्स लाइक रैपिंग ग्रेट रैपिंग डांसिंग ग्रेट डांसिंग सिंगिंग ग्रेट सिंगर्स ओह माय गॉड इट्स रियली अमेजिंग एंड इन सबको एक साथ एकजुट किया क्या नाम है और इसे एक BTS बैंड बनाया जो कि पूरी दुनिया में हिट है पूरी दुनिया में हिट है पता नहीं आई थिंक बिग एंटरटेनमेंट को कहीं ना कहीं टैलेंट की पहचान है काफी पहचान है ऑफ कोर्स उन्हें टैलेंट की पहचान है वरना कितने जगह ये लोग ऑडिशन दे चुके थे बट इन्होंने मतलब कितने लोगों ने इन्हें मतलब बुलाया नहीं और मतलब कितने बुलाया कितने ने अप्रोच किया जैसे कि BTS की फर्स्ट मेंबर की बात की जाए तो हमें जहाँ तक पता है उनको ऑफर किया गया था बिग एंटरटेनमेंट के थ्रू और उन्होंने चूज किया था जहाँ पे उनको दो तीन जो कंपनीज थे उनमें से एक को चूज करना था तो उन्होंने बिग एंटरटेनमेंट को चूज किया सो कहीं ना कहीं वो लोग भी चूज किए और बिग एंटरटेनमेंट ने भी इनको बुलाया सो यार कहीं कहा जाए तो ये इन सातों का एक साथ टैलेंट दिखाने का सबसे बड़ा अगर किया जाए कि अगर किसी को वो क्या बोलते हैं उसको क्या
क्रेडिट दिया जाए तो वो बिग एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स इट्स अ बिग एंटरटेनमेंट लाइक बिग एंटरटेनमेंट लाइक बिग एंटरटेनमेंट ही इस ग्रुप को बनाया है या तो यार बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा एंड हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया उम्मीद है आपने भी काफी एंजॉय किया होगा सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारा भी लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए और शेयर करें जितना हो सके और शेयर करें ताकि जिसको पता ना हो उसे ही पता चले या ऑफ कोर्स सो तब तक के लिए नमस्ते।